यू तो SSB क्रैक न्यू टॉपिक सो so, आप काफी समय से न्यूज़पेपर में न्यूज में अपने आसपास एक चर्चा जरूर सुन रहे होंगे दैट इज रिस टू जो भी नीट का एग्जाम हुआ था जो हम मेडिकल के लिए हम लेते हैं डॉक्टर्स इनऑल के लिए डन तो उसके अंदर एक स्कैम So, सबको उसके बारे में पता है काफी समय से हम सुन रहे है। चार जून को जिस दिन लोकसभा इलेक्शंस के रिजल्ट अनाउंस थे उसी दिन इस पर्टिकुलर रिजल्ट के आ, को भी अनाउंस किया गया था एंड उसी पर्टिकुलर दिन से अकॉर्डिंगली देखा जाए तो उस दिन शाम से अगले दिन से ये काफी ज्यादा हाईलाइट भी हो गया था तो चलिए आज के पूरे वीडियो लेक्चर में जानेंगे द मेन इवेंट की अब जो फाइनल जो फैसला क्या लिया गया है पहले बात करेंगे और ये पूरा सब कुछ चला कैसे एंड आउट होल बेसिकली जो नीट ट्वेंटी ट्वेंटी फोर उसको पूरा हम डिस्कस करेंगे आज के पूरे वीडियो लेक्चर में सो so, अब अब जो फाइनल इस टॉपिक पे मैं बात कर रहा बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है जितनी भी पिटिशन फाइल की गई थी उन सबको डिस्पोज कर दिया एंड ऑफ कोर्स अगर डिस्पोज किया है तो कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर दिया होगा देन तो सेंटर ने कुछ रिकमेंडेशन दी थी कमेटी भी बनाई गई थी इसके ऊपर एंड सेंटर ने जब रिकमेंडेशन दी तो उन रिकमेंडेशन को फॉलो करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी पिटिशन फाइल थी उनको डिस्पोज ऑफ कर दिया है दन? तो कुछ मार्क्स का कहना था उनका नोटिस की गई थी तो चलिए बात करेंगे तो सबसे पहले बात करते कि ये सारा मसला जो था ये स्टार्ट कैसे हुआ था सो so, हुआ क्या था की सिक्सटी सेवन बच्चों की जो मार्क्सिट्स है वो ऑनलाइन सोशल मीडिया पे सफेद होती है एंड जिसमें से क्या होता है कि सिक्सटी सेवन

कि अगर अभी उनके मार्क्स थे कुछ बच्चों के 620, 625 तो अगले दिन जाके वो 420 ट्वेंटी हो गए मीन्स रेंडमली या तो मार्क्स इंक्रीज हो गए या तो डिक्रीज हो गए एक और एलिगेशन इसके ऊपर चल रहा था वो था पेपर लीक का कि पेपर अभी लीक किया गया है ठीक है हालांकि अब ये जो पेपर लीक वाली बात है ये थोड़ी सी और कहाँ पे जो इंपॉर्टेंट हो जाती है इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट जो कि एक बिहार पुलिस का एक यूनिट है वो इस पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट करते हैं और इन्वेस्टिगेशन के अंदर जब स्टार्ट किया गया तो पता ये लगा कि पैंतीस ऐसे पेरेंट थे थर्टी फाइव बच्चे ऐसे थे जिनको पहले से ही या तो क्वेश्चन पेपर्स दे दिए गए थे या फिर उनको आंसर्स बता दिए गए थे अनिशी केस के चक्कर में थर्टीन इंडिविजुअल्स को अरेस्ट भी किया गया था अब बात करेंगे इन टोटल जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया इट्स 1563 स्टूडेंट्स जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए थे तो एक तरफ तो हमने पेपर लीक के ऊपर बात कर ली अब ये जो ग्रेस मार्क्स है ये एक सेकंड केस है ग्रेस मार्क्स जब दिया गया और एनटीए से पूछा गया कि आपने ये पर्टिकुलर ग्रेस मार्क्स क्यूँ दिया वो भी पंद्रह बच्चों के तो उनका कहना यह था कि कुछ बच्चों को रॉन्ग सेट ऑफ पेपर चला गया कुछ बच्चों को रॉन्ग सेट ऑफ पेपर चला गया कुछ बच्चों को, को टॉन फटी हुई ओएमआर शीट्स मिली हैं, कुछ लोगों को लेट ओ एम आर शीट मिली है तो उनका कहना यह था कि बच्चों को तीन घंटे थ्री या ट्वेंटी जो एक टाइम होता है टोटल एग्जाम के लिए वो पूरा नहीं मिला वो और उसका रीजन था एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन तो इसमें बच्चों की गलती नहीं थी वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से गलती हुई थी चाहे वो किसी के रिलेटेड हो पेपर लेट मिलना या फिर गलत क्वेश्चन पेपर का मिलना फटा हुआ ओएमआर शीट मिलना या ओएमआर शीट का ही लेटर मिलना तो ये सब रीजन दिए थे उसी के बाद एक कमेटी भी बनाई गई थी बाय द और उन्होंने इस पर्टिकुलर मुद्दे को इन्वेस्टिगेट भी किया था एंड उन्होंने ये कहा है कि हमने 2018 की एक जजमेंट जिसमें बात की गई थी कि अगर बच्चों का लॉस ऑफ टाइम होता है ड्यू टू एनी एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन उनको ग्रेस मार्क दिए जाएंगे हमने उसी चीज को अडॉप्ट किया और ये जो पर्टिकुलर फॉर्मूला है ये भी अपेक्स कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने डिवाइस किया है तो उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने भी ये चीज की है हालांकि एनटीए का इसके ऊपर एक और चीज कहना है कि हमारा जो एग्जाम जो बिकॉज ऑफकोर्स जब स्कैम की बात आ रही थी तो सब चीजें जो है एन के ऊपर क्वेश्चन करे थे कि एक एग्जाम जो बेस है sanctity, आपने उसको मेंटेन नहीं किया हालांकि इसमें बिल्कुल मना कर दिया NTA ने कि नहीं हमने जो सेंचुटी एग्जाम की उसको बिल्कुल मेंटेन किया डन जो आप uh, देख रहे हो कि जो टॉप स्कोरर्स बच्चे जो आपने देखा कि सिक्सटी सेवन बच्चे टॉप है तो आज के टाइम पे इतना ज्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ चुका है तो बच्चों के जो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड वो बढ़ चुके हैं डन बच्चे बहुत ज्यादा मेहनत करें कॉम्पिटेटिवनेस ऑफ एग्जाम इट्स नॉट अबाउट द नीट ऑनली आप किसी भी एग्जाम में देख लें जट इज हाई ली कॉम्पिटेटिव तो के साथ बच्चों का जो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड

जिसको हेड किया है जो पहले यूपीएससी के चेयरमैन रह चुके हैं उन्होंने इस पर्टिकुलर हेड कोड किया और के बाद ये सारी चीजें हमें देखने को मिली अब फाइनल अगर कंक्लूजन पे बात आए जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये सुप्रीम कोर्ट ने डिस्पोज ऑफ कर सारी एलिगेशन तो उनका रीजन उन्होंने क्या दिया कि सेंटर ने रिकमेंडेशन क्या दी थी कि हम दो चीजें कर सकते हैं पहली चीज ये है कि जो 1563 बच्चों को मार्क्स दिए गए हैं उनके हम ग्रेस मार्क्स कैंसिल कर देते हैं और जो उनका ओरिजिनल स्कोर जो ऑफकोर्स शो हुआ था ड उसमें से ग्रेस मार्क्स को माइनस करके हम एक रिपोर्ट जारी कर देंगे एक तो ऑप्शन ये हो जाएगा दूसरा ऑप्शन उन्होंने दिया है कि अगर बच्चों को लगता है कि नहीं हमें वो चीज नहीं करनी ये सारा जो थी चीज है उनका कहना ये है कि हम रीटेस्ट रखेंगे दैट इज ऑन द जून ट्वेंटी एंड उसका जो तो रिजल्ट है थर्टीथ जून तक दे दिया जाएगा मीन तो एक वीक का ये सारा का सारा चीजें रहेंगी एंड इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने ये एक्सेप्ट भी किया रिकमेंडेशन किया तो आप ग्रेस मार्क्स को कैंसिल करके ये बच्चों के ऊपर छोड़ दिया गया अगर वो रिटेस्ट लेना चाहते हैं तब भी ठीक है अगर वो रिटेस्ट नहीं लेना चाहते हैं तो जो उनके मार्क्स है उसमें से ग्रेस मार्क्स को माइनस करके उनके मार्क्सिट को जारी कर दिया जाएगा और सेकेंड सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर एक और चीज की है कि जो काउंसलिंग प्रोसेस है उसको हॉल्ट नहीं किया जाएगा काउंसलिंग एज पर द दूल चलेगी तीस जून को रिजल्ट भी आ जाएगा जो बच्चे पंद्रह सौ तिरसठ बच्चे उनके हिसाब से बात की जाएगा डन बिकॉज एक एग्जाम जो कि एक नेशनल लेवल एग्जाम है उसको वापस से कि मांग इसी की की जा रही है सो so, अभी हाल लिए तो सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया है बट द पॉइंट इज आप सब जानते हैं कि इस पर्टिकुलर अगर मान लीजिए की तरफ हम बढ़ते भी हैं तो सबसे बड़ी बात है द रिसोर्सेज बिकॉज कोई भी एग्जाम कंडक्ट करने के लिए वी नीड अ मल्टीपल रिसोर्सेज जैसे एंड सिक्योरिटी सब चीज का ख्याल सबसे बड़ी बात अबाउट द टाइम ऑफ अ स्टूडेंट अबाउटेंट कोई भी बच्चा जो तैयारी कर रहा है एंड द वेटिंग फॉर फॉर टाइम इज मोस्ट देम करेक्ट करियर का सवाल है तो सब चीजों मद्देनजर रखते हो हालांकि सिर्फ थर्टियथ जून तक इन सबको कम्पाइल करने की बात की गई है कि ग्रेस मार्क्स को जो सबसे बड़ा इश्यू था उसको कैंसिल कर दिया जाए और साथ ही में या कर कोई रीटेस्ट लेना चाहता है तो जून ट्वेंटी थर्ड को रीटेस्ट रखा गया है एंड उसका रिजल्ट थर्टीय जून तक दे दिया जाएगा काउंसलिंग को तो नहीं रोका गया एज पर द स्ट्यूल काउंसलिंग को जारी रखा जाएगा सो दर वोज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर अपडेट आई होप यू ऑल आर क्लियर विद कि पूरा का पूरा ये केस स्टार्ट कैसे हुआ था और हालांकि आपने देखा भी होगा काफी फेमस जो टीचर्स भी हैं उन लोगों ने भी सुप्रीम कोर्ट जगह काफी प्रेटे, जो जला है वो फाइल की गई थी देन काफी जगह एक आप कह सकते हो कि एक ग्रुप में बार स्ट्राइक्स निकाली गई हैं काफी जगह रैलीज निकाली गई हैं एंड अगर आप सोशल मीडिया यूट्यूब हर जगह चले ही रहा था काफी फेमस टीचर्स देन जो ऑलरेडी बच्चों के साथ इन्वॉल्व रहते थे वो भी उन लोगों ने काफी सपोर्ट इसमें दिया है पॉलिटिकल एजेंडा भी बन गया था बीच में पोजीशन भी मांग कर रही थी कुछ ना कुछ बट एस इट्स ऑल अबाउट द मोस्ट प्रायोरिटी थिंग यहाँ पे जो है द करियर ऑफ अ वन स्टूडेंट करेक्ट सो उसके ऊपर अभी हाल ही में तो फैसला ये है लेट्स सी नेक्स्ट करेक्ट अगर कुछ भी नया अपडेट होता है सो so

एन डी ए सी डी एस एफ कैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एस एस बी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं